इधर लखनऊ में भाजपा की कार्य समिति की बैठक जारी है। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित करके इस बैठक की शुरुआत की और इस दौरान एक मंच पर सभी नेता दिखाई दिए। इस बैठक में सभी नेताओं को सम्मानित भी किया गया। 2024 के चुनाव को लेकर यूपी भाजपा की यह बड़ी बैठक है और इसमें 2024 के चुनाव का पूरा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। बूथ स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कवायद है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने जीत वाला मंत्र दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दो उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है और भाजपा का विजय रथ बरकरार है। उन्होंने ये भी कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ा अवसर है। नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर दो उपचुनाव। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। भारत को अपनी सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी G20 समिट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और कार्य समिति की बैठक में यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर आक्रमण किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा की सीट जीतने में सफल रहे। दोनों सीटें हमारी परंपरागत सीटें नहीं रही, हमने दोनों सीटें को प्रदेश में विपक्ष से छीना। यही नहीं, रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी पार्टी का कमल पहली बार खिला। इसके पीछे इस बात की प्रतिबद्धता रही है कि प्रदेश में हमारी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को आधार मानकर गांव-गांव विकास की नई धारा बहा रही। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले और सत्ता हासिल करके रहने वाले इन दलों के नेताओं ने अब तक सिर्फ अपने परिवार, अपने चहेतों का ही भला किया है, लेकिन जातियों की राजनीति करने वाली ये परिवारवादी दल ये भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव में जाति, भाई भतीजावाद और राजनीति को नकार चुकी है। इसलिए मेरा विश्वास है कि कोर्ट की अनुमति के बाद जिस दिन भी प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बाधित करने वाले इन सभी राजनीतिक दलों को पूरी ताकत के साथ जुटकर हम पराजित करने का काम करेंगे। और इधर सपा के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय ने भाजपा की कार्य समिति की बैठक पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की आज बैठक हो रही है, 700 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, क्या कहना? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो ये इनके कार्य समितियों की बैठक होती है, इसमें सिर्फ इस बात पर चिंतन मंथन होगा, क्योंकि सवालों का जवाब इनके पास नहीं है।
नए मुद्दे कैसे उछाले जाएं, नए सपने कैसे दिखाए जाएं, जुमले कैसे गढ़े जाएं, इस बात का जवाब नहीं है कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही, इस बात का जवाब नहीं है कि आप बता रहे हैं ना गड्ढा मुक्ति, पिछले बार बोले थे, चलिए हमारे इलाके में मैं बताता हूँ गड्ढा मुक्ति का क्या हाल चाल है, भ्रष्टाचार कैसे, अपराध देख ही रहे हैं, बालिकाओं के साथ जैसे हो रहा है, तो उन तमाम मुद्दों पर चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो नए नए जुमले लेकर आते हैं। मैं पहली बार जब सरकार बनी थी और इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तब भी मैंने पूछा था कि जितने प्रधानमंत्री जी भी जहाँ जाते हैं गले पकड़ के आते हैं, यहाँ भी दावे होते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप जानना चाहेंगे कि आपके प्रदेश में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो भैया वो पत्थर, वो दीवार, वो फैक्ट्री, वो उत्पादन क्षमता करने वाली इकाई कहाँ है जहाँ आप भी जाकर माथा टेक लें, मैं भी माथा टेक कर लूँ, दिखाई तो देता नहीं है। तो जुमलेबाजों की बैठक नए जुमले गढ़ने की तलाश में हो रही है। हैदराबाद में अखिलेश जी भी KCR के साथ गए थे, वहाँ पर कांग्रेस नज़र नहीं आई, ममता बनर्जी नज़र नहीं आई, नीतीश कुमार नज़र नहीं आए। देखिए वहाँ तो तेलंगाना के KCR साहब ने बुलाया था, जिसको जिसको उन्होंने निमंत्रण दिया था, किसको दिया, किसको नहीं दिया, क्यों दिया और क्यों नहीं दिया उनका विषय है। समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसी ताकतें जो मुखर विरोधी हैं भाजपा की एक साथ खड़े हों। इसी के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए थे, मैं भी वहाँ था, और जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वो आगाज हो गया। गठबंधन की राह आगे खुल रही है, किसके साथ गठबंधन? राहुल गांधी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना हमारी पार्टी ने ऐसा कोई फैसला लिया। ऐसे गठबंधन की कोई संभावना? कोई अभी तो कोई इस बात पर चर्चा नहीं है। कैमरा सिंह राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।